हाँ जी नमस्कार भव्य एंड हर्षु व्लॉग्स में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्राइड राइस की रेसिपी बताएंगे। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें यूज़ होने वाली सामग्री मैं आपको बताऊंगी आगे। हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी नमस्कार भव्य एंड हर्षु व्लॉग्स में आज आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। दिवाली आकर चली गई और सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं। कोविड-19 से अपनी सुरक्षा कीजिएगा। आज मैं आपको फ्राइड राइस की रेसिपी बताती हूँ। और ज़्यादातर क्या होता है हमारे घरों में जो है बॉयल्ड चावल बच जाता है, लेकिन आज हम उस तरह ना बना के स्पेशल चावल को उबालेंगे। उबाल कर फिर इसको फ्राई करेंगे और फिर हमारी जो रेसिपी तैयार होगी आप उसको ज़रूर ट्राई करें। मित्री, ये खड़े मसाले हैं, इलायची है छोटी, दालचीनी है, काली मिर्च है और जो है दो लौंग है हमारे पास। आप अपनी इच्छा अनुसार जो है खड़े मसाले घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में जो है थोड़ा सा तेल लेंगे, रिफाइंड लेंगे या देसी घी भी ले सकते हैं आप चावल बॉईल करने के लिए। फिर हम इसमें अपने खड़े मसाले जो है ऐड करेंगे। मैंने इसमें जो है खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्का सा तड़कने तक इनको रखेंगे। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे, जब पानी गर्म हो जाएगा तब इसमें चावल डालेंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है पक रहा है। अब हम इसके अंदर पानी को उबलने देंगे, फिर इसमें हम चावल को धो के डालेंगे। आप चाहें तो इसमें नमक डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, वरना जब हम फ्राई करेंगे, मैंने डाल दिया है, जब हम फ्राई करते हैं तब भी नमक डालते हैं। सब्जियों को हम उबलना रख देंगे। आप जो भी चाहे सब्जी है, गोभी है, गाजर है, बीन्स है, उनको बॉयल कर सकते हैं, आलू है, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो वही सब्जी आप बॉयल कर सकते हैं या फिर फ्राई कर सकते हैं। तो मैं सब्जियों को बॉयल करूँगी और फिर तड़का लगाते हैं। और एक बार हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने जो है एक बड़ा प्याज काट लिया है, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, मैंने एक बड़ा टमाटर चॉप्ड कर लिया है, काट लिया है, मैंने जो है बिरयानी मसाले को दही में फेंट के रख लिया है और मैंने हमारी क्या सब्जियों में वो हाँ जी ये देखिए मैंने जो है सब्जियों को उबाल लिया है। आप चाहें तो तड़के में फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसमें बंद गोभी ली है, एक आलू लिया है, मटर ली है और छोटी सी मैंने गाजर ली है। और इधर देखिए ये हमारा चावल उबला हुआ है, इसको हम फ्राई करेंगे। इसको उबालते वक्त ही मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए थे, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, स्वादानुसार। सबसे पहले एक बर्तन में जो है हम रिफाइंड ऑयल लेंगे या तेल लेंगे, सरसों का, जो भी आप खाने में यूज़ करते हो। अब इसमें हम जो है स्वादानुसार थोड़ा सा जीरा, हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भूनेंगे कुछ देर के लिए। अगर आप ज़्यादा ही तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च काट सकते हैं। मैं इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी। देखिए हमारा प्याज भुन गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। रेड चिली पाउडर स्वादानुसार। आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। जब तक टमाटर हमारा अच्छे से पककर तैयार ना हो जाए इसको पकने देंगे, पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। अब हम इसमें ये बिरयानी मसाला जो है उसको ऐड करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। ये हमने दही में फेंट लिया था, 2 चम्मच बिरयानी मसाला लिया था हमने और 2 छोटे चम्मच हमने दही ली थी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और ये हमारा बेसिकली सिंपल सा फ्राइड राइस है, लेकिन हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया है। आप चाहे तो सेजवान डाल सकते हैं, सेजवान आता है मसाला, और चिली सॉस डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। आप इसमें सॉस भी डाल सकते हैं, मियोनी भी डाल सकते हैं, सब अपने टेस्ट के अनुसार ही होता है और जैसा आपको अच्छा लगे। मुझे जैसा अच्छा लगता है मैंने आपके साथ वैसा शेयर किया है और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी, एक बार ज़रूर ट्राई करना। हाँ जी अब ये देखिए हमारा मसाला पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। मसाले को नीचे बर्तन में ना लगने दें, लेकिन कल तो सब नॉनस्टिक पैन यूज़ करते हैं, कढ़ाइयाँ यूज़ करते हैं। हाँ जी अब हम इसमें अपनी उबली हुई सब्जियाँ ऐड कर देंगे। हाँ जी आप हल्दी अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप हल्दी खाना पसंद करते हैं फ्राइड राइस में या नहीं,
तो एक चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर नमकीन चावल खा के खुश रहते हैं तो उन्हें भी लगता है कि आज नमकीन चावल बन चुके हैं तो वही खाने चाहिए। अच्छे से इसको पकाएंगे। अब हम इसमें चावल मिक्स करेंगे मसाले में, क्योंकि हमारा मसाला पककर तैयार हो चुका है। चावल को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें मसाले में। हाँ जी, ये देखिए चावल को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। 2 मिनट के लिए स्टीम देंगे, उसके बाद फिर इसको सर्व करेंगे। खाने के लिए तैयार है, आप ही आ जाइए और खा लीजिए। हाँ जी, ये देखिए हमारे फ्राइड राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने चटनी के साथ सर्व किया है, धनिए की चटनी के साथ, सॉस के साथ, प्याज के साथ, आप जैसे चाहे इसको खा सकते हैं। और ये चावल बनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। किसी के घर में बचा हुआ चावल रखा हो तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके फ्राई करके इस तरह से खा सकते हैं। तो जी धन्यवाद। हमारी वीडियो में कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।